दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली थी उसके एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, और साथ में ही इन्होंने जो सिलेबस है वो बता दिया है। जो आपका एग्जाम है वो 26 मई 2019 संडे वाले दिन होगा, और जो एग्जाम होगा वो 3 सेंटर बनेंगे इसके, एक चंडीगढ़, दूसरा मोहाली, तीसरा पंचकुला। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न की एग्जाम के की। तो दो पेपर होंगे, पार्ट वन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पार्ट बी जो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। पार्ट ए में बात करते हैं, जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और साथ में 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बात करते हैं पार्ट बी की, इसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आएगा 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का, लेटर लिखना होगा इंग्लिश में 5 मार्क्स का, प्रेसिस आएंगे 5 मार्क्स के, और ट्रांसलेशन होगी हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स की।